आदाब। आदाब? लेकिन मोहतरमा, आपको यहाँ कब्रिस्तान में आना, वो भी इस समय? देखिए, बुरा मत मानना, ना मंजूर है। कोई मसला है क्या आपका? हमें कब्र खुदवानी है। अच्छा, आप नाम बताइए, मैं लिख देता हूँ। बेगम नूर बानो। इंतकाल किसका हुआ है? किसी का भी नहीं, हमें अपनी कब्र खुदवानी। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि औरतों का कब्रिस्तान में आना सख्त मना होता है। और तो और मौलवी साहब भी सवेरे आएंगे। हमें कब्र खुदवानी इसी वक्त, हमारे शौहर की कब्र के साथ। खाला, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कल सवेरे आ जाना, मौलवी साहब आ जाएंगे, उनसे आप दरख्वास्त कर देना। हमें सब कुछ अभी चाहिए, हमें अपने शौहर के पास जाना है। जाइए यहाँ से। अरे जाओ। कब्र खोदने वालों की ही खुद रही है कब्र। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले को कोई क्यों मारेगा, वो भी इतनी बेरहमी से। तुमने गौर किया, उसे मारकर कब्र में फेंक दिया, लेकिन ऊपर से किसी ने मिट्टी नहीं डाली। इसका मतलब जिसने भी ये किया है, वो चाहता है कि ये कत्ल लोगों की नजर में आए। ये कम्युनल झगड़ा भी हो सकता है। सुरेश सर भी कह रहे थे उस कम्युनिटी के लोग काफी घबराए हुए। सर, मैं इकबाल खान। लोकेशन कहाँ? सर आइए। मैडम आप यहीं रुके। जानती हूँ औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए। सर यही जगह है। महरूम नवाब आजम अली। विक्टिम का नाम? आकिब गुलाम सर। कोई आई विटनेस? जी नहीं मैडम। आपने विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया? जी हाँ मैडम, पर कुछ खास पता नहीं चला। एक काम करो, इस कब्रिस्तान का रजिस्टर होगा ना, वो रजिस्टर और यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन पे भिजवा दो। जी सर। और विक्टिम की इमीडिएट फैमिली को भी बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जी मैडम। माफ कीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, इसीलिए अभी आपको तकलीफ दी। आप ठीक तो है? अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। एक बेटी है हमारी, हर वक्त पूछती रहती है अब्बू कहाँ है, अब्बू कब आएंगे। मना किया था आपने, कब्रिस्तान का काम मत करो, कोई और नौकरी भी तो ढूंढ सकते हो। कहते थे खुदा का दिया वक्त, ठुकराते थे। आकिब ने कब्रिस्तान की नौकरी कब से शुरू की? 3-4 हफ्ते पहले। और इन 3-4 हफ्तों के दौरान आपकी उससे कितनी बार बात हुई होगी? एक दो बार बात हुई थी, पूछने पे बोलते थे सब सलामत, पर नहीं। हम जानते, उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। सब कहते हैं उस कब्रिस्तान में शैतान का साया, ये सब उसी का किया हुआ। ठीक है, आप जा सकती हैं।
अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएगी। क्या हुआ विक्रम, कुछ मिला? बेगम नूर बानो, आकिब के रजिस्टर में आखिरी एंट्री। समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इतना बड़ा लीड इग्नोर कैसे कर दिया। सिर्फ नाम लिखा है, बाकी के सारे कॉलम्स ब्लैंक। पर ये बेगम नूर बानो है कौन? उसके घर का पता चल गया। रुको यहीं पे। आप कौन? हमारी छोड़ी है, आप बताइए कि आप कौन? पुलिस, एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, आप रोकेंगे पुलिस को? नाम क्या है तुम्हारा? नासिर। यह हवेली किसकी है? हमारे नवाब साहब की। वो है अंदर? नवाब साहब को गुजरे हुए जमाना हो गया है। हम नवाब साहब के खानदानी मुलाजिम हैं। नवाब साहब के गुजरने के बाद हम बेगम नूर की खिदमत में लगे हुए हैं। बेगम साहिबा ने खास हिदायत दे रखी है कि कोई उन्हें परेशान ना करे, और वो खुद भी बाहर नहीं निकलती है। आपके नवाब साहब का नाम क्या था? मरहूम नवाब आजिम अली। और आपकी बेगम नूर बाहर नहीं निकलती, मतलब कब से वो हवेली के अंदर ही रहती है? ये आज की बात नहीं है, नवाब साहब के गुजरने के बाद बेगम साहिबा ने अपने आप को हवेली में बंद कर लिया। पिछले 3 महीनों से उनको किसी ने नहीं देखा है। मैं हर रोज दोनों वक्त का खाना दरवाजे पर रख देता हूँ, वो तो खुदा का शुक्र है कि वो खाना खा लेती है। तो पिछले 3 महीनों में आप बेगम साहिबा से बिल्कुल मुखातिब नहीं हुए? बेगम साहिबा की आदत थी, वो इससे पहले भी 3-4 बार ऐसा कर चुकी है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करती थी। शुरू शुरू में तो हमको भी बड़ा अजीब सा लगता था, डर लगता था कहीं बेगम साहिबा को कुछ हो ना गया हो। और हमें उनसे मिलना हो तो? मैंने कहा ना साहब, उनसे कोई नहीं मिल सकता, यही बेगम साहिबा का फरमान है। मरहूम नवाब आजम अली, कुछ याद आया? इस इमारत के हश्र को देखकर समझ में आता है इसकी नींव कितनी मजबूत होगी। क्या कर रहे हो विक्रम? भूख लगी है? चलो। बहुत बड़ी हवेली है, एक जमाने में काफी शानदार रही होगी। इसकी हालत देखकर लगता नहीं है यहाँ पर कोई रहता होगा। विक्रांत,
छोड़ दिया साहब, मुझे छोड़ दिया साहब। क्यों बे, सिर्फ खाना चुराने आए थे और भी कोई प्लान था तेरा, और हमको देखकर भाग गया? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ साहब। तो ये खाना क्या बेगम ने तुझे खैरात में दिया? हाँ नहीं साहब, ऐसी बात नहीं साहब, पहले ये सामान सब अंदर जाता था और अभी कुछ ही दिनों से देख रहा हूँ कि ये सब बाहर ही रखा रहता है, तो इसलिए मैं ही उठा लेता हूँ साहब। सच बोल रहे तू? सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ साहब। कौन कौन है वहां? तुम अंदर कैसे आई? I'm sorry, पर मैं एएसपी अदिति शर्मा हूँ, मुंबई पुलिस। आप बेगम नूर बानो है ना? आपसे कुछ बात करनी है। किसी के घर में बगैर इजाजत के चोरों की तरह कैसे चले आए? हमारे कमरे में आने की जरूरत कैसे की? देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। नासिर, मैम मुझे आपसे एक मर्डर के सिलसिले में कुछ बात करनी है। अपने शौहर के पास जाए। शौहर? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि उस कब्रिस्तान में। अदिति, चलो ठीक हो? हाँ। क्या जिंदगी है यार, रोज रोज एक ही काम, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कौन है? कौन है वो?
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमें अपने शौहर के पास यासर, बचाओ। हमें अपने शौहर के पास जाना। यासर, यासर बचाओ, यासर बचाओ, यासर। कब्रिस्तान में मारे जा रहे हैं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? कुछ नहीं होता आप लोगों से, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। तुम सही कह रहे हो। अरे कांस्टेबल, इन्हें पानी पिलाओ, ठंडा करो इन्हें, गर्मी बहुत बढ़ गई है इन्हें। क्या बात है, क्यों गला फाड़ रहे हो? सब वो शाकिब मेरा भाई था। आगे बोलो। सब उस रात को जब मैं उसके लिए खाना लेके गया, जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से माफी मांग रहा है। मैंने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन सब वहां पर कोई था नहीं। आखिर कब तक ऐसे कब्रिस्तान में लोग मरते रहेंगे साहब? हमें जवाब चाहिए। सही वक्त आने पर सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी तुम लोग घर जाओ। मेरे ख्याल से ये सब कुछ बेगम नूर कर रही है। इसका मतलब दिन भर घर पे छुप कर बैठने वाली रात को बाहर निकलती है। विक्रांत, तुमने बताया था ना, उस गरीब आदमी ने कहा था कि पिछले कई दिनों से मुलाजिम का रखा खाना किसी ने नहीं उठाया और खाना खाए बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो मर गई है और उसकी आत्मा ये सब कुछ कर रही। उस मुलाजिम ने भी कहा था कि बेगम नूर महीनों तक बाहर नहीं आती है, तो हो सकता है कि अकेलेपन में उसकी मौत हो गई हो और किसी को पता नहीं चला हो। और मेरे ख्याल से उसकी बॉडी अभी भी उसी हवेली में। अब इसका जवाब तो वो हवेली ही दे पाएगी। खाना खाया तुमने? नहीं, क्यों? नहीं, उस मुलाजिम ने खाना घर के बाहर तो रखा ही होगा, और अब तो वो चोर भी पकड़ा गया। अरे तुमने ही तो कहा खाने के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। आइडियली इंसान की लाश 4 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इस हवेली में बदबू बिल्कुल नहीं आ रही। अगर उसकी लाश पिछले 3 महीनों से यहाँ पर पड़ी हुई है तो बदबू जरूर आती। कोना कोना छान मारो एंड अदिति लुक फॉर अ स्टेंच।
विक्रांत, ये बेगम नूर ही है। उसके गले में जो हार है उसे मैंने उसकी हर तस्वीर में देखा है। उस दिन वो मुझसे अपने शौहर के बारे में कुछ पूछ रही थी। हाँ, मैं अपने शौहर के पास जाना। उसका शौहर वही है ना जिसकी कब्र हमने उस कब्रिस्तान में देखी थी, नवाब आजिम अली। विक्रांत, मुझे लगता है कि हम बेगम नूर की कब्र उसके शौहर की कब्र के पास बनाते तो शायद उसकी उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और ये सब कुछ रुक जाए। शायद हाँ शायद ना, लेकिन ये कंकाल पिछले 3 महीनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। यकीनन अब वक्त आ गया है कि उसे दफनाया जाए। चलो, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब अपने सर से मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम से कम देर से ही सही बेगम नूर की आत्मा को सही अंजाम तो मिला। अब शायद वो किसी को तंग नहीं करेगी। तो तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब करने से उस शैतान का साया इस मुकद्दस जगह से हट चुका है? हमें अपने शौहर के पास जाना है। बेगम नूर बानो, नवाब आजिम अली, क्या लाइफ रही होगी इनकी एक जमाने में। मुझे तो दिलचस्पी इस बात की है कि अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब ना तो नवाब रहे ना ही बेगम साहिबा। हाँ यासर, क्या? अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? कब्रिस्तान के केयरटेकर पर फिर से किसी ने अटैक किया, मुझे पता था। ये इस केस का अंत नहीं हो सकता। क्या मतलब है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? केयरटेकर का कहना है कि जिस औरत ने उस पर अटैक किया वो भी बार बार वही कह रही थी। हमें अपने शौहर के पास जाना है। नवाब साहब बहुत ही इज्जतदार आदमी थे, लोगों का उनसे बहुत लगाव था। उनकी मौत कैसे हुई? तकरीबन 15 साल पहले उनके घर वालों ने उनकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। गायब होने की? वो गायब कैसे हुए थे? वो जंगल से गुजर रहे थे तभी उनके साथ कोई हादसा हुआ और उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आए। कैसा हादसा? वो तो कुछ पता नहीं चला। फिर हमने जंगल के अलावा आसपास के कब्रिस्तान और मुर्दा घरों में बॉडी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बॉडी नहीं मिली, बस उनके कपड़े और जूते मिले। ये नवाब साहब की किसी के साथ गाँव में दुश्मनी या फिर पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स थे? सर, दुश्मनी तो क्या होगी, वो तो अपना सब कुछ बेगम साहिबा ट्रस्ट के नाम ही करना चाहते थे। उनके मरने के बाद बेगम नूर ही उनकी ट्रस्ट चलाती थी और जो पैसा है वो उसी ट्रस्ट में है। उस ट्रस्ट का एड्रेस है आपके पास? जी सर, ये रहा। ओल्ड भोपाल। बेगम साहिबा किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। खुद की औलाद ना होने की वजह से उन्होंने बच्चों के लिए ट्रस्ट शुरू किया था। फिलहाल कैसे चल रहा है आपका ट्रस्ट? जी, जो भी डोनेशंस आते थे वो बेगम साहिबा की तरफ से ही आते थे और उनको देख के उनके सर्कल के सारे लोगों ने भी ट्रस्ट में डोनेशन शुरू कर दिया था। बल्कि बेगम साहिबा ही उन्हें ट्रस्ट में पैसा देने के लिए मजबूर करती थी। अब पता नहीं उनके मौत के बाद क्या होगा, जैसे बच्चों के सर से माँ का साया हट जाएगा।
बिलाल जी, हम इस ट्रस्ट के अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी देखिए, ट्रांजेक्शन्स तो बहुत कम है, पिछले एक साल में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उससे एक साल पहले 25 लाख की रकम और 10 लाख रुपए और किसी ने विड्रॉ किए हैं। बिलाल जी, बेगम नूर के अलावा इस ट्रस्ट से किसे विड्रॉ करना अलाउड था? जी वैसे तो ट्रस्ट गरीबों की भलाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन नवाब साहब और बेगम साहिबा के जितने भी रिश्तेदार हैं वो ट्रस्ट से पैसा निकाल लेते हैं, उनके विल में ही ऐसा लिखा है। ये फंड्स कहाँ ट्रांसफर हुए थे? जी फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ अकाउंट नंबर है, मैं उसके सारे डिटेल्स निकालता हूँ और आपको फोन कर देता हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। कुछ पता चला? ये बेगम नूर के ट्रस्ट के अकाउंट से जो पैसे निकल रहे हैं वो इंदौर ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी अमीना नाम की औरत के अकाउंट में। हो सकता है कि अमीना नवाब साहब या बेगम नूर की कोई रिश्तेदार हो? हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए इंदौर जाना होगा। जी बोलिए, आप कौन? आप अमीना? जी आप? मुंबई पुलिस, आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकते हैं? हम आपसे एक केस के सिलसिले में बात करने आए हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप बेगम नूर बानो को जानती हैं? हाँ नाम सुना है उनका। अच्छा, तो उनके ट्रस्ट से पहले 25 लाख और फिर 10 लाख, टोटल मिला के 35 लाख आपके अकाउंट में कैसे जमा हुए? अच्छा ठीक है, आप उनके शौहर नवाब आजम अली को तो जानती होंगी। हाँ जानते हैं, वो मेरे अब्बू के काफी अच्छे दोस्त थे, हमारे घर काफी आया करते थे। कमाल है, तो फिर आप उनकी बीवी को नहीं जानती? दरअसल बात ये है कि अमीना जी, इन तस्वीरों में आपके शौहर नहीं दिखाई दे रहे, आप यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं? जी वो बाहर गए हैं, मेरा मतलब है कि वो देश के बाहर काम करते हैं। बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं हम। जी एक गिलास पानी मिलेगा? शोहर का नाम क्या बताया आपने? जी आजिम शेख। उनकी कोई तस्वीर देख सकती हूँ मैं? आपके मोबाइल में तो होगी? लेकिन आप लोग कौन है? अरे नवाब साहब आइए, बैठिए बैठिए, आप ही का घर है, आइए आइए। किरण सिंघल, मुंबई पुलिस। अमीना जी आपने बताया नहीं कि आपने अपने अब्बू के दोस्त के साथ शादी कर ली, पुलिस को गुमराह करने का नतीजा जानती है आप? देखिए जनाब, आप तो जो भी हैं अपने वजूद में रहकर बात कीजिए, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप नवाब साहब? आपके भोपाल में तो आपके लोग आपकी कब्र खोदकर आपको दफना चुके हैं। नवाब साहब, आपकी पहली बीवी बेगम नूर बानो आपको 15 साल से ढूंढ रही है और आप यहाँ पर, शर्म नहीं आती आपको? जरा सी भी इंसानियत नहीं है? मोहतरमा, दायरे में रहकर बात कीजिए।
हम अगर अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़कर यहाँ रह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। वो बांझ थी, आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? बेगम आप चुप रहिए। माना कि नूर हमारी बेगम थी, लेकिन वो हमें कभी औलाद ना दे सकी। हम हमेशा उनकी औलाद से महरूम रहे। शायद इसी गम में वो पगला गई। हमने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। जब पानी हाथ से गुजर गया, जब बात हाथ से बढ़ गई, तब हमने यह रास्ता अख्तियार किया। माना कि वो हमें कभी तकलीफ नहीं देती, ना हम उन्हें कभी तलाक देते, ना वो हमसे कभी तलाक मांगती। इसीलिए हम अपनी जायदाद, अपनी हवेली सब कुछ छोड़कर चले आए उनके नाम। उन्होंने वो हवेली नहीं छोड़ी चुके, उन्हें अंदेशा था कि उस पर कब्जा ना हो जाए। और आप ऐसी औरत की बात सुनकर चली आए? 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी को भी उनकी मौत की खबर नहीं हुई और उनका शरीर उसी हवेली में सड़ गया। या अल्लाह, इतनी दर्दनाक मौत। या अल्लाह, उन्हें जन्नत नसीब हो। वो तो उन्हें होगी। अब हम चले, दोबारा मुलाकात होगी। सर, अभी अभी खबर आई है, नवाब साहब भोपाल लौट आए हैं। उन्हें हवेली की ओर जाते हुए देखा गया सर। बेगम,
हम आपके कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं आपके। बखुदा, हमारा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, लेकिन क्या करते, थक गए थे। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। ये हवेली, ये घर, यहां की एक एक चीज मेरी है, मेरी मेरी। अजीब बेवकूफ औरत थी तू, खुद को 15 साल इस हवेली में बंद रखा। अच्छा हुआ कि हमने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम तो हमें भी अपने साथ पागल कर देती। बेगम नूर, अरे अगर मरना ही था तो 15 साल क्यों हमें हमारे ही घर से दूर रखा। शुक्रिया बेगम, शुक्रिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नासर, कहाँ जा रहे हैं आप? नवाब साहब। बेगम, आप हयात हैं? पंद्रह साल इंतजार किया आपका, अब कह नहीं जाएंगे आप। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे थे कि आप मर चुके हैं। मौत की खबर तो आपकी भी सुनी थी। ये नहीं हो सकता, ये सब आपकी नौटंकी है। मैं सब पुलिस को खबर कर दूंगा अभी अभी। बेगम, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते थे, हम आपके गुनाहगार हैं। बहुत इंतजार करवाया आपने, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। Thank you.
मैं तुम्हारा गुनहगार, सब कुछ मैंने ऐसे के लिए किया। तुम्हारी अमीना से बात हुई? हाँ, इन्फॉर्म कर दिया और कब्रिस्तान कम्युनिटी वालों की रिक्वेस्ट के बारे में भी बताया। सरप्राइजिंगली वो मान भी गए। कौन सी रिक्वेस्ट? वो लोग चाहते थे कि नवाब साहब की कब्र बेगम नूर की कब्र के पास बनाई जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और अमीना इस बात को मान गई? मान गई। क्या सोच रही हो? यही कि नवाब साहब का सच जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बेगम नूर उनकी कब्र के पास रहना चाहती है। तुम्हारा ये बेगम नूर के साथ का रिश्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? तुम इंसानों के साथ रिश्ता क्यों नहीं रखती?